अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि स्कूल के एडमिशनों का समय है, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के एडमिशन के लिए सारी स्कूलों के बाहर खड़े रहते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं कि एडमिशन हो जाए। वहीं हमारे डोंगरी के लोगों के लिए ज़्यादातर सबसे अच्छी स्कूल उनकी नज़र में जो है वो सेंट जोसेफ स्कूल है उमरखाड़ी वाली। बट कैसा है कि वहाँ के जो फादर है बहुत ही रूडली बात करते हैं, मैंने अपनी आंखों से भी देखा। मुझे चार लोगों की कंप्लेंट आई है, चार पेरेंट्स की। तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके साथ भी अगर कोई बदतमीजी या गलत तरीके से बात करी गई है उस फादर के तरफ से, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे नीचे गए दिए गए एड्रेस पे आए, मेरे नंबर दिए गए पे फोन करके मुझे कंप्लेंट दे। हम लोग ये कंप्लेंट लेके फादर को कल सूचना देंगे लिखित में। हम वहां जाएंगे नहीं, अपने लेटर हेड पे वहां रिक्वेस्ट करेंगे फादर से कि वो माफीनामा लिख के दे हमें। अगर उन्होंने माफीनामा नहीं लिख के दिया तो बहुत जल्द हम उनकी स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट लेंगे। और ये चीज वो चारों पेरेंट्स ने मुंबई पुलिस को भी लिखित में कंप्लेंट करी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप फादर हैं, आपकी एक पोस्ट की रिस्पेक्ट है, लेकिन आप पेरेंट्स से ऐसी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आप फ्री में नहीं पढ़ा रहे लोगों को। बच्चों को जो आप शिक्षा देंगे आप उसके पैसे लेंगे, और पैसे लेने के बजाय मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एडमिशन करें सबका, लेकिन मेरा ये कहना है सबसे पहला हक डोंगरी के जो कैपेबल बच्चे हैं उनका होना चाहिए, उसके बाद आप सीट अवेलेबल रहे तो लोगों को आप एडमिशन दे। मैं देखता हूं कि चार लोगों को मना कर दिया जाता है लोकल के आप सीट अवेलेबल नहीं है, फिर कोई एजेंट के थ्रू डोनेशन दे के एडमिशन हो जाता है अचानक से। तो ऐसा कैसे होता है, आपकी स्कूल ऐसा कैसे कर सकती है? वो चीजों की भी हमने पूरी जाँच करी है, पूरी स्टडी करी है हमारी टीम ने, और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी हमने निकाले। इस चीज की शिकायत भी हम मुंबई पुलिस को जल्द देंगे। मैं फादर से कहना चाहता हूं कि आप बदतमीजी बंद करें, वहां पे लोगों से सही से बात करें। आपकी एक रिस्पेक्ट है, हम आपकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आपकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पूरी ताकत से लोगों के साथ खड़ी है जो पेरेंट्स के साथ बदतमीजी हुई है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं बहुत जल्द आप लिखित में माफीनामा दे, नहीं तो हमें मजबूरन वहां आके प्रोटेस्ट करना पड़ेगा सेंट जोसेफ स्कूल के बाहर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी।